हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल वेलकम टू द क्लास एंड दिस इज आर क्लास ऑन करंट अफेयर क्रैश कोर्स ये आज हमारी फिफ्थ क्लास है और यहाँ पे हम एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं प्लीज़ लेट मी नो आई एम ऑडिबल एवरीथिंग इज़ फाइन ठीक है प्लीज गिव अ थम्स अप इफ एवरीथिंग इज फाइन लाइक दिस एम ऑडिबल एंड विजिबल हियर चलिए स्टार्ट करेंगे और ये आपका पूरा क्रैश कोर्स है ओके okay? और uh, सारी फैकल्टीज आपके सामने यहाँ पे मेंशन है सभी की क्लासेस हो रही हैं सो मेक श्योर कि आप रेगुलर बेसिस पे सारी क्लासेस लें और इसके अलावा आपकी क्रैक्टुलम्स एम सी ट्यू सीरीज चल रही है ओके okay? इसकी क्लास डेली बेसिस पे साढ़े आठ बजे होती है तो अभी इस सेशन के बाद में साढ़े आठ बजे आपकी क्लास रहेगी कहाँ पे अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे ये फ्री क्लास है ये लिंक आपको दिया हुआ है क्लास का और कल जो आपकी क्लास होगी कल इकनॉमिक्स की क्लास है ना इसी टाइम पर रहेगी सात बजे बिकॉज आई विल बी टेकिंग द इकनॉमिक्स एज वेल इकनॉमिक्स का जो स्टैटिक पोर्शन है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे दिस वुड बी काइंड ऑफ मैराथन सेशन तो थोड़ी बड़ी क्लास होगी उस हिसाब से आप तैयार रहिएगा और लिंक आ, सभी क्लासेस के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं फाइन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये बढ़ गई हैं फाइन यूपीएससी ने जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया है वन थाउजेंड के ऊपर चली गई है दो हज़ार बाईस में सो so, डेफिनेटली uh, uh, एक अच्छी बात है क्योंकि इन जनरल हम देख रहे थे काफ़ी टाइम से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम हो रही थी तो ये बहुत अच्छी बात है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को बढ़ा दिया गया है और इसके साथ आपका ये जो ऑफ़र है इसके साथ आप जा सकते हो नाइनटीन फेब्ररी मतलब आज एंड हो रहा है और यहाँ पे आपको फ्लैट ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ दिया जा रहा है तो आपकी जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है चाहे वो प्री मेंस ऑप्शनल है उसकी जो फीस है वन ईयर की दिस इज़ फोर्टी फाइव थाउजेंड इन जनरल ये सिक्सटी के अराउंड रहती है तो ये आपको फ़्लैट ऑफर्स जो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं एंड वेल गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन यूज द कोड आर बी टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक यहां पे हम लेंगे कैंपेन फॉर वन मिलियन सॉक पिट्स इन हंड्रेड डेज फाइन एक कैंपेन लॉन्च किया गया था तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं जल शक्ति जो मंत्रालय है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसके अंदर हंड्रेड डेज के अंदर ये क्या बना रहे हैं वन मिलियन मतलब दस लाख सोक पिट्स बनाएंगे ये सोक पिट्स क्या होते हैं इसकी भी हम बात करेंगे और ये है सुजलम कैंपेन ओके okay, सुजलम कैंपेन तो ये थोड़ा सा अलग है दिस इज द थिंग सोक पिट कैसे काम करता है देखिए जो भी ग्रे वाटर है मतलब जो गंदा पानी है उसको क्या किया जाएगा ये सोक पिट के अंदर डाला जाएगा तो यहां से ये पानी आएगा ये आपने इतना बड़ा सोक पिट बना रखा है अब यहाँ पे बड़े बड़े जो पत्थर हैं है ना बॉल्डर्स हैं इनको रखा हुआ है और फिर ऊपर इस तरह से तो नीचे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये आपके वहाँ पे जमा होंगे तो जब पानी ऊपर से आ रहा है इस तरीके से ऊपर से आ रहा है ये क्या जा रहा है ये पास हो रहा है यहाँ से और इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है डिपॉजिट हो रहे हैं जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं या बड़े पार्टिकल्स हैं ठीक है वो क्या हो रहे हैं नीचे डिपॉजिट इस तरह से होते जा रहे हैं जो भी एफ्लुएंट्स है वो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या करेंगे uh, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको uh, डाइजेस्ट करेंगे फाइन तो ये एक तरह का डिग्रेडेशन का सस्टेनेबल प्रोसेस इन्होंने डेवलप कर लिया जिससे क्या होगा पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा फिल्टर्ड वाटर इज देन डिस्चार्ज आउट थ्रू द पोरस वॉल्स ऑफ द सॉक पिट ये ओपनिंग्स हैं यहाँ से पानी ये बाहर जाना स्टार्ट कर देगा तो क्या हो रहा है दो तीन चीज़ें आपको फ़ायदा हो रहा है ग्राउंड वाटर uh, का लेवल भी बढ़ जाएगा क्लियर और एक आपने अच्छा सस्टेनेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका निकाल लिया जिससे क्या कर रहे हो आप जो ग्रे वाटर है मतलब गंदा पानी है उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हो ग्रे वाटर पासिंग थ्रू दिस पिट सब्जेक्टेड टू तो द फिल्ट्रेशन और ये इस तरीके से आपका काम करता है तो ये सोक पिट यहाँ पे गवर्नमेंट क्रिएट करना चाह रही है फॉर द ग्रे वाटर मैनेजमेंट अंडर दिस कैंपेन सुजलम कैंपेन ये आपका है तो ये नाम ध्यान रखिए फाइन और कौन सी मिनिस्ट्री का ये कैंपेन है ये ध्यान रखिए सोक पिट कैसे काम करता है ये ध्यान रखिए दीज आर थ्री फोर थिंग्स यू शुड बी अवेयर अबाउट नेक्स्ट एक और कैंपेन है ये आपका नेशनल वाटर मिशन के अंडर में लॉन्च किया गया दिस इज द कैंपेन कैच द रेन कैंपेन नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया जैसा नाम से पता चल रहा है कैच द रेन तो ये क्या है रेन वाटर जो है उसकी हार्वेस्टिंग को इंश्योर कर रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होगा बारिश का जो पानी है उसको इकट्ठा किया जा सके ताकि जो वाटर क्राइसिस की सिचुएशन है उससे हम डील कर सकें तो ओवरऑल इस परपज इस कैंपेन का पर्पज़ क्या है लोगों के अंदर अवेयरनेस जागरूकता जगाना ताकि वो जो बारिश का पानी है उसको बचा सकें और इसके लिए ये कैच द रेन कैंपेन लॉन्च किया गया एंड जल शक्ति अभियान के अंतर्गत ये आपका आएगा ओके नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत ये आपका आएगा विल बी टेकन अप ऑल द डिस्ट्रिक्ट अब इसमें एक और चीज़ का इंपॉर्टेंट है कि कैच द रेन कैंपेन है केवल रूरल एरिया के लिए है या केवल अर्बन एरिया के लिए इस तरह से आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है तो यू शुड बी अवेयर कि ये जो है आपका रूरल और अर्बन दोनों एरिया के लिए है ना और सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अक्रॉस द कंट्री विद द मेन थीम कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वैन इट फॉल्स ठीक है और 2021 जो दिसंबर था नवंबर था वहाँ पे वहाँ तक ये चला मार्च से नवंबर तक चला मतलब जो पूरा बारिश का सीज़न है है ना जो मानसून सीजन है उस टाइम पे इस कैंपेन को चलाया गया प्री मानसून और मानसून पीरियड के अंदर पूरे इसको चलाया गया गवर्नमेंट चाहती है इसको जन आंदोलन का रूप देना ताकि जन भागीदारी पीपल्स पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सके फाइन दिस इज वन ऑफ द थिंग और वाटर कंजर्वेशन जो जैसी चीजें हैं वहाँ पे बिना लोगों के पार्टिसिपेशन के आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ तो कैच द रेन हो गया नेक्स्ट हमारे पास एक स्कीम है दिस इज द फेम टू स्कीम ये फेम टू स्कीम काफी ज्यादा चर्चा में है क्या कर रही है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज को प्रमोट करने की बात कर रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है अंडर दिस फेम टू स्किन फास्टर अडोप्शन एंड manufacturing ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फास्टर अडोप्शन एंड manufacturing ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो यहाँ पे uh, 2022 तक का जो टारगेट रखा गया था फेम टू के अंडर में लगभग दस हजार करोड़ रुपए रखा था इन्होंने ये करोड़ uh, वगैरह ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ में क्या ध्यान रखना है कि हाँ गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पर इंसेंटिव दे रही है तो यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं है ना पर्सनल व्हीकल्स में नहीं है अभी पर्सनल व्हीकल व्हीकल पे तो अलग अलग स्टेट ने अपने तरीके से किया हुआ है ना तो ये क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं कमर्शियल जो पर्पज के लिए जो व्हीकल्स हैं वहां पे ये इंसेंटिव दे रहे हैं द गवर्नमेंट विल ऑफर द इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रिक बसेस थ्री व्हीलर्स फोर व्हीलर्स किस चीज में यूज हो रहे हैं कमर्शियल पर्पज में यूज हो रहे हैं तो इनको ये इंसेंटिव दिया जाएगा फेम टू के अंडर ओवरऑल पर्पज क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंक्रीज करना ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होंगे तो उससे क्या होगा पॉल्यूशन कम होगा कार्बन एमिशन कम होंगे तो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से भी हमें छुटकारा प्राप्त करने में हेल्प होगी और ओवरऑल uh, सबके लिए अच्छी बात है हेल्थ परस्पेक्टिव से क्योंकि पॉल्यूशन जो है मेजर इशू है फाइन प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स आर ऑल्सो देयर और कौन कौन से व्हीकल्स को यहाँ पे ऐड किया गया है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स एंड दोज विद अ साइजेबल लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड मतलब ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड व्हीकल हो गए या जो लिथियम आयन बैटरी के रिगार्डिंग है इन सबको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे स्कीम में डर दिस फेम स्कीम चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक और स्कीम है दिस इज द ई थ्री स्कीम एनर्जी एफिशियंट एंटरप्राइज सर्टिफिकेशन स्कीम ठीक है तो किस बारे में है क्या है ये ध्यान रखिए जैसे पूछ लेगा एनर्जी एफिशियंट एंटरप्राइज स्कीम है तो क्या ये प्रयास कर रही है है ना क्या लोगों के इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है है ना या फिर आ, जो ब्रिक्स हैं उससे रिलेटेड है ये सब चीज़ें तो एनर्जी एफिशिएंट एंटरप्राइज के रिगार्डिंग आ, ये बीईई का इनिशिएटिव है ओके आ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या करेगी सर्टिफिकेट एक देगी अंडर दिस इ थ्री स्कीम इ थ्री मतलब एनर्जी एफिशियंट एंटरप्राइज तो जनरली जो ईंटे बनाई जाती है ब्रिक क्लिन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस है अगर आप देखोगे जितनी भी ब्रिक्स बन रही हैं जितना कोयला यूज होता है उसका पाँच परसेंट के आसपास कोयला ये यूज कर रहे हैं फाइव परसेंट ऑफ ऑल कोल यूज इन इंडिया किस चीज में ये यूज हो रहा है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग पायर्ड क्ले ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग जो ईंटों को बनाने का जो पूरा उद्योग है उसके अंदर ये इतना सारा कोयला यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया काफी ज्यादा क्या है कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस है मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज़्यादा होगा गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि इसको हम थोड़ा क्लीन करें है ना पॉल्यूशन लोड भी कम हो कार्बन एमिशंस भी कम होंगे अगेन दैट एंगल ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस एंड ऑफ तो इस परपज से ये स्कीम लाई गई और यहां पे जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एनर्जी एफिशियंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसकी हम बात कर रहे हैं सो so ये क्या करेगा वॉलंट्री सर्टिफिकेट देगा मतलब अगर कोई ब्रिक क्लिनस है मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे ये ईंटें बन रही है तो वो अगर वॉलेंटरली वो चाहेंगे तो ही दिया जाएगा है ना इससे फायदा क्या होगा विल बी अवार्डेड टू दोज एंटरप्राइजेस हुज स्पेसिफिक एनर्जी कंजन विल बी ट्वेंटी लोअर देन द नेशनल बेस नेशनल बेस से अगर आपका पावर कंजम्प्शन ट्वेंटी लो है तो आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशियट ब्रिक मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस को गवर्नमेंट यहाँ पर प्रमोट करना चाह रही है सो दिस इज अ काइंड ऑफ अगेन इनिशिएटिव और बहुत ही बेसिक वे के अंदर प्रॉब्लम्स में इस तरह के क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं अच्छा ये स्कीम है इस चीज़ से रिलेटेड है क्या अचीव करना चाह रही है एंड ऑल नेक्स्ट हम आते हैं दिस इज अबाउट द मासिव स्पाइडर वेब्स ये जो आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये मकड़ी के जाले हैं इतने बड़े बड़े मतलब इतना बड़ा ये आपको पेड़ दिख रहा है है ना और मकड़ी के जाले इतने पूरा फैला हुआ है तो ये जो मासिव स्पाइडर वेब्स हैं ये क्यों जनरेट हो रहे हैं कौन सी स्पाइडर्स इनको जनरेट कर रही हैं व्हाट इज द रीजन हियर कुछ बेसिक चीजें है ना यू शुड बी अवेयर कई बार क्या होता है इस तरह के टॉपिक्स पे अवेयरनेस जो होती है वो आपको दूसरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में भी हेल्प करती है सो फ्रॉम देट परस्पेक्टिव वी आर कवरिंग दीज टॉपिक्स ऑल्सो मासिव स्पाइडर वैब क्यों करे हुए देखिए हुआ क्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन्स हुई है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनस हुई और <coughs> ये है विक्टोरिया स्टेट अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का मैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू हैव दिस विक्टोरिया स्टेट है ना ये वाला जो रीजन है सदर्न साउथ ईस्ट रीजन है यहाँ पे तो यहाँ पे जब बहुत तेजी से ये यह रेन यहाँ पे होने लगी तो जो स्पाइडर्स हैं लाखों की संख्या में जो मकड़ियाँ हैं है ना Uh, क्योंकि वाटर लॉक्ड हो गया और जो स्पाइडर नीचे रह रहे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया ये जो मासिव स्पाइडर वेब्स हैं इस तरह से ये इन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट किया और हायर uh, ग्राउंड पे ओके okay? और इन मासिव स्पाइडर वेब से की मदद से क्या कर रही है ऊंचा जा रही है हायर ग्राउंड के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया और ये क्या होंगे स्पाइडर वेब हवा की मदद से अगर uh, यहाँ पे हवा भी चल रही है कोस्टल एरिया है तो ये सौ किलोमीटर की दूरी तक आगे जा रहे हैं क्लियर तो एक तरह का सर्वाइवल प्रोसेस मान सकते हो आप सर्वाइवल इंस्टिंग से ये यहाँ पे होके और इन्होंने बलूनिंग इसको फिनोमिना को नाम दिया है बलूनिंग जहां पे ये इस तरह से ऊपर की तरफ मूव कर रही है जनरली ये विंटर के अंदर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा विंटर के टाइम पे ही होती है प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ वेब्स ओके विच इज वेरी थिन एंड डेलीकेट अलाउज देम टू फ्लाई अवे विद द ब्रिज ओके और इन वेब की मदद से ऊपर आ जाते हैं और फिर ये जो वेब्स हैं ये फ्लाई करते हैं है ना हवा के साथ फ्लाई करते हैं दूर दूर तक दिस बैलोनिंग सिल्क इज लाइटर देन द एयर हवा से भी हल्का होता है या तो पेड़ों के ऊपर ये इस तरह से लग जाएगा या फिर काफी दूर तक इनको ले जाएगा जिससे कि है बच सकते हैं तो लाखों की संख्या में मकड़ियों ने इस तरह से जाला बनाना स्टार्ट किया एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन अब ये जो आपकी स्पाइडर हैं जो इस तरह के वेब्स को बना रही हैं इनको नाम दिया गया वैग्रेंट हंटर्स ओके वैग्रेंट हंटर क्या होते हैं ये जो स्पाइडर है ना इसलिए ये है क्योंकि तेज तो ग्राउंड एरिया से इनको ऊपर जाना पड़ेगा हाई राइस पे जाना पड़ेगा इसलिए ये इतने सारे मासिक वेब्स क्रिएट हो रहे ऑस्ट्रेलिया दो तीन वजह से और भी न्यूज में रहा फॉरेस्ट फायर भी रहे थे है ना और इसके अलावा आप देखोगे दिस माइस रेन ये माइस रेन वाला इशू था लोगों के घरों से चूहों की बारिशें हो रही थी मतलब हर जगह से चूहे निकल निकल के आ रहे थे छत हो गया आ, अगर दीवार है वहाँ से कहीं से भी और ये एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क फैक्टर हो गया था क्योंकि इसके हेल्थ कंसर्न भी है तो ये माइसरेन वाला फैक्टर भी एक बार हम देख लेते हैं माइसरेन क्यों कॉज हुई और देखिए यहाँ पे हार्वेस्ट जो है रोडेंट्स जो होते हैं इनको जहाँ पे भी खाना मिलता है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है और ये बहुत तेज़ी से ब्रीड करते हैं कई बार हम देखते हैं कि घर के सोफा वगैरह है ना वहीं पे इकट्ठा हो गए हैं सो so, ब्रीडिंग इनकी बड़ी तेजी से होती है ब्रीडिंग इनकी बड़ी तेजी से होती है और यहां पे क्या हुआ अबंडेंट ग्रेन है ना अबंडेंट ग्रेन हार्वेस्ट हुई मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज जो था वो यहां पे क्रिएट हुआ विच कॉज अ सरप्लस ऑफ माइस अर्लियर इन द सीजन जिसकी वजह से माइस की पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई अब इनका ब्रीडिंग साइकिल छोटा है मतलब बहुत तेजी से इनकी जनसंख्या बढ़ती है तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है और यहाँ पे देखते ही देखते जो रॉडेंट्स हैं जिसके अंदर रेट और माइस इंक्लूड हैं ये इनकी पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट होती है स्पेशली जो माइस है इनकी पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और ये रीज़न है न्यू साउथ वेल्स अगर आप इसको देखोगे ये विक्टोरिया वाला रीज़न था जहाँ पर अभी हमने स्पाइडर के इशू को डिस्कस किया है इसी के जस्ट नॉर्थ के अंदर है न्यू साउथ वेल्स है ना न्यू साउथ वेल्स जहाँ पे ये माइस रेन वाला इशू हुआ और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर आउटलॉड पॉइजन पौ, जो है मतलब इसको बैन किया हुआ था इस पॉइजन को ब्रोमा डिओ लोन इसका नाम ध्यान रखिए ब्रोमा डिओ लोन को यूज किया गया ये जनरली क्या है बैंड पॉइजन है लेकिन इनकी पॉपुलेशन रोड्रेंड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कि प्लेग फैलने का डर है है ना हेल्थ कंसर्न यहाँ पे है कोई एपिडेमिक फैल सकता है तो ब्रोमा डिओ लोन का यूज़ यहाँ पे किया गया माउस बेट के अंदर जिंक फॉस्फाइड का यूज़ इन्होंने बढ़ाया ठीक है और जिसकी वजह से फार्मर्स को इनको पकड़ने में हेल्प मिले तो ये दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखिए ब्रोमाडियोलॉन जिंक फॉस्फाइड ओके इनको पॉइजन के रूप में यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है एंड यू हैव दिस न्यू साउथ वेल्स यहाँ पे ये माइस्रेन का इशू है ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं एक न्यूज़ इसमें पहले ये भी थी कि लगभग दस लाख दस हज़ार जो कैमल्स हैं ना दस हज़ार कैमल्स हैं इनको कल किया गया था क्योंकि ये क्या कर रहे थे जो कैमल की पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और उसकी वजह से यहाँ पे खाने की शॉर्टेज हो गई थी ठीक है फूड और वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे कम थे और जो कैमल्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी तो यहाँ पे टेन थाउजेंड कैमल्स हैं इनको कल किया गया था ठीक है मतलब एलिमिनेट यहाँ पे किया गया था मारा गया था सो ठीक है ये तीन चार इशू हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड इनको थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं डेडली ब्लूम इन द मुट्टू काडू एस्चुरी एस्चुरी का मतलब क्या होता है एस्चुरी का मतलब होता है वो पार्ट जैसे यू हैव दिस जहां पे ये बेसिकली जो रिवर है है ना सी uh, वाटर से आपका मिल रहा है तो ये मुट्टू काडू एस्चुरी जो है यहाँ पे डेडली एलगी ब्लूम देखा जा रहा है, है ना एक्सेसिव ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का ये जो पानी है ये यहाँ पे हो गया है इस एस्चुरी के अंदर और ये किस रीजन से हुआ है यहाँ पे एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ एक्सेसिव जो एलगी है उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है और उस वजह से यहां पे रहने वाले जो और दूसरे एनिमल्स हैं फिशेज हैं है ना उनके लिए खतरा पैदा हो गया है उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है तो एक तो काडू ये जो एक्चुरी है इसका लोकेशन ध्यान रखिए ये आपका सिचुएटेड है आ, ओके यू हैव दिस वन तमिलनाडु के अंदर आपका लोकेशन हो गया एक तो ये ध्यान रख लीजिए और अब ये जो एल्गी ब्लूम है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना और ये वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछता ही रहता है तो एलगी ब्लूम के अंदर हम आते हैं उससे पहले एक टर्म को डिस्कस करेंगे दिस इज द यूट्रोफिकेशन कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या होता है कोई भी वाटर बॉडी है है ना मान लीजिए कोई तालाब है या इस तरह से वहां पर क्या हो रहा है अगर न्यूट्रियस की मात्रा है ना मान लीजिए पास में एग्रीकल्चर फील्ड है वहां पे खेती होती है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है अब वहां से जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है मतलब खेतों का जो पानी है वो उस पौंड में आके गिर रहा है तालाब में आके गिर रहा है और वहां पे जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, है ना बिकॉज ऑफ दिस केमिकल्स और उसकी वजह से वहां पर जो एलगी है एलगी है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है एलगी की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई है कि वो क्या कर रहा है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनके सर्वाइवल को एंडेंजर कर रहा है बाकी की जो बायोडाइवर्सिटी है वो वहां से एलिमिनेट हो रही है क्योंकि देखिए उसने क्या किया ये एक तालाब है पूरा का पूरा ऊपर से कवर कर लिया तो नीचे सनलाइट जाएगी नहीं नीचे सनलाइट जाएगी नहीं तो फिर नीचे जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं या जो भी प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उनके लिए वहाँ पे इशू क्रिएट हो गया फाइन और ऑक्सीजन वगैरह है इसका कंजम्पशन हो गया तो इसके अंदर होता क्या है ये एक आपका ये बना हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम वहाँ पे क्या होगा न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होगा एलगी की ओवरग्रोथ होगी और जो एलगी की ओवरग्रोथ होती है मतलब बहुत सारे एलगी एक साथ वहाँ पे बहुत कम समय में डेवलप हो गए इसे हम कहते हैं एलगी ब्लूम और एलगी कवरिंग द एक्वेटिक सरफेस लेयर नीचे आपका क्या नहीं जाएगा नीचे आपका सन लाइट नहीं जाएगी डिजॉल्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी फाइन नीचे की तरफ सनलाइट तो जाने का सवाल ही नहीं है और जो ऑक्सीजन है डिजॉल्व आउट टू ऑक्सीजन ये भी नहीं मिलेगी क्योंकि वो सरफेस को इन्होंने पूरा कवर किया हुआ है तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी तो अगेन इश्यू क्रिएट हो गया वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए तो उनको ना तो सनलाइट मिल रही है ना ऑक्सीजन मिल रही है इसकी वजह से क्या होंगे जो भी प्लांट वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिशेज हैं वो डाई करना स्टार्ट कर देती है और जो पूरा का पूरा एक्वेटिक सिस्टम है फाइन वहां पर उसकी जो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है उसकी क्वालिटी जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है कंज्यूम अवेलेबल क्योंकि जब प्लांट है वहां पे डेड हो रहे हैं ठीक है तो कोई भी डेड प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा तो बैक्टीरिया क्या करेंगे वो भी कंज्यूम करेंगे ऑक्सीजन को तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है जिसे हम कहते हैं बी ओडी बी क्या होता है बीओडी को ध्यान रखिएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये क्या होगा अगर बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन ज्यादा है क्लियर तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी तो अगर ये कहा जाए कि किसी वाटर बॉडी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो उसका पॉल्यूशन क्या होगा पॉल्यूशन लोड भी वहां पे ज्यादा होगा ठीक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा रहेगी तो पॉल्यूशन लोड भी ज्यादा होगा वहीं पे इसके अपोजिट अगर डिजॉल्ड ऑक्सीजन जिसे हम डी के नाम से जान रहे हैं डी क्या है डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर ये डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी तो हम क्या कहेंगे डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा है मतलब पॉल्यूशन कम है अच्छी बात है लेकिन बायोलॉजिकल डि ऑक्सीजन डिमांड बीओडी अगर ज्यादा है तो फिर इश्यू क्रिएट होगा क्लियर तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और ऑक्सीजन कम होगी तो जितने भी एक्वेटिक मीन वाइल्ड वो डेड हो जाएंगे और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिग्रेड हो जाएगा किसकी वजह से यूट्रोफिकेशन की वजह से यूट्रोफिकेशन इज अ सिंड्रोम ऑफ इकोसिस्टम एक दो बार नहीं कई बार यहाँ से यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो इसको ध्यान रखिए और ये हमने लिया है इस कॉन्टेक्स में इसका लोकेशन आप ध्यान रखिए मुट्टू काडू एसचुरी का एचुरी क्या होती है ये ध्यान रखिए सो दिस इज द थिंक नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेक ये आप पढ़ लेना वैसे स्टैटिक पोर्शन के अंदर आप देखोगे कि यहाँ ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो लेक्स हैं इनके टाइप बता रखे हैं जैसे यूट्रोफिक लेप है यूट्रोफिक लेक के अंदर क्या होगा न्यूट्रियट की बहुत ज़्यादा इनरिचमेंट होगा और जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होगी क्योंकि यहाँ पर यूट्रोफिकेशन हो चुका है यूट्रोफिक लेक के अंदर ठीक है तो आप देखोगे ऑक्सीजन जो है बॉटम लेयर के अंदर एबसेंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है कम है इन कंपैरिजन टू ऑलीगोट्रॉफिक वहाँ पे ज़्यादा होगी तो सेम चीज है इसको एक बार और ढंग से देख लेना जो भी चीजें हमने डिस्कस की, उसी में इन्होंने कंपैरिजन किया है एक यूट्रोफिक वाटर बॉडी का जहां पे यूट्रोफिकेशन हो चुका है उसका कंपैरिजन किया है ओलिगोट्रॉफिक से नेक्स्ट <coughs> हमारे पास में है स्टॉप स्टार्ट पैटर्न स्टॉप स्टार्ट पैटर्न यहाँ पे एक इवोल्यूशन जो होता है है ना इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन के एक पैटर्न को यहाँ पे डिस्कस किया गया साइंटिस्ट के द्वारा जो न्यूज़ में रहा और इसे नाम दिया गया स्टॉप स्टार्ट पैटर्न ये किस कॉन्टेक्स में आया अगर हम देखते हैं क्रोकोडाइल्स को है ना आपने डेफिनेटली मूवीज देखी होंगी है ना जोरासी पार्क वगैरह है तो वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ क्रोकोडाइल्स वगैरह है और ये दिखाए हैं तो क्रोकोडाइल्स जो है काफी समय से काफी लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं है ना और आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनके अंदर देखने में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते हैं ना कोई बहुत लार्ज स्केल पे कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पे साइंटिस्ट को ये लगा कि यार ये चेंज हो क्यों रहा है है ना मतलब चेंज हो क्यों नहीं रहा है इतने लंबे समय से और ये अपने आप को अडाप्टे अडप्ट भी कर रखा है इन्होंने अच्छे से सर्वाइव भी कर रहे हैं वट इज़ द रीजन तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो क्रोकोडाइल्स हैं इस तरह के जो क्रीचर्स हैं क्रोकोडाइल हो गए इनका जो रेट ऑफ इवोल्यूशन है इनका जो रेट ऑफ इवोल्यूशन है वो बहुत स्लो है और इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने इस पैटर्न को नाम दिया स्टॉप स्टार्ट पैटर्न स्टॉप स्टार्ट पैटर्न क्रोकोडाइल्स इस तरह की लाइफ स्टाइल को अपना अपना चुके हैं जो कि मतलब वर्सटाइल है किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में ये सेट हो जाते हैं ठीक है टू द एनॉर्मस एनवायरमेंटल चेंजेस और इतने सारे डायनासोर थे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उसके टाइम से अभी तक इतने मतलब अ, हजारों साल हो चुके हैं और उसके बाद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसका नाम दिया गया था स्टॉप स्टार्ट पैटर्न सो दिस वर्ड इज बेसिकली रिलेटेड टू द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन ठीक है इसमें ये कह रहे हैं कि एक समय बाद इनका जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो बहुत धीमा हो जाता है जब तक कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है सो दिस इज द थिंग फाइन नेक्स्ट हमारे पास है ओके वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये न्यूज़ के अंदर है और uh, मस्क डियर हिमालयन ब्लैक बियर और ये सब क्या है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और इनको क्या किया जाता है पौच किया जाता है है ना इलीगल इनका ट्रेड भी किया जाता है क्योंकि चाइनीज़ जो आ, ट्रेडिशनल मेडिसिन है वहां पे इनका यूज है तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो पोच एनिमल्स हैं चाहे हम मस्क डियर की बात करें चाहे हम ब्लैक बियर की बात करें है ना लेपर्ड की बात करें ये सारे के सारे शेड्यूल्ड हैं किसके अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इनको क्या किया गया है शेड्यूल वन में रखा गया है मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है मैक्सिमम प्रोटेक्शन इनको दिया गया है एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट कोचिंग ऑफ दीज एनिमल एंड ट्रेडिंग पनिशेबल है विध मिनिमम थ्री इस ऑफ इंप्रिजनमेंट तीन से सात साल तक के लिए अब यहां ये यह बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की हम यहाँ पे देख लेते हैं जिसने ये पूरा ऑपरेशन कैरी आउट यहां पे किया तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अंदर कैसे पूछ सकता है अच्छा क्या ये स्टेट्यूटरी बॉडी है है ना किस तरह से कैसे ऑपरेशन ये करता है क्या इसके फंक्शनस हैं अदरवाइज जो भी चीज़ें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसको पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर में लाया गया है ना कौन से एक्ट के अंडर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको लाया गया और यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था 2006 में और हमने देखा कि जो एन टी था उसके अंदर भी 2006 में ही अमेंडमेंट किया था उसको स्टेट्यूटरी बॉडी बनाया गया था तो ये क्या हो गई स्टेट्यूटरी बॉडी हो गई मतलब एक वैधानिक निकाय हो गया पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर में आ रही है एस्टेब्लिश टू कॉम्बैट द ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम जो भी ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए इसको बनाया गया था और यहाँ पे डब्ल्यू जो यू है यू जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है हैज़ ऑल्सो अवार्डेड दिस विद एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड ये अवार्ड इसको दिया जा चुका है इसके अलावा बेविन वाइल्ड लाइफ लॉ एनफोर्समेंट अवार्ड भी इसको मिल चुका है तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप इस बोर्ड के बारे में ध्यान रखिए ब्यूरो के बारे में ध्यान रखेंगे और इसी से रिलेटेड एक ऑपरेशन क्लीन आर्ट भी न्यूज़ में था हालांकि ये 2020 में भी न्यूज़ में रहा था बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट सो यू शुड बी अवेयर ऑपरेशन क्लीन आर्ट रिसेंटली हैज बीन इन न्यूज़ किस चीज़ से रिलेटेड है ऐसा करके तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट किसने चलाया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया और ये क्या कर रहे हैं ये जो मंगूज होते हैं उनके जो हेयर की स्मगलिंग हो रही है है ना तो उससे रिलेटेड जो पूरा आ, सिंडिकेट चल रहा था उसके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए ये चलाया गया था और मंगूस को भी शेड्यूल टू के अंदर रखा हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मतलब इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है इसकी स्मगलिंग जो है नॉन वेलेबल ऑफेंस है तो यहाँ पर इन्होंने ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया था जहाँ तक मंगूस की हम बात करें तो ये हर जगह पे मिल रहा है चाहे हम अफ्रीका की बात करें यूरोप की बात करें एशिया की बात करें नेटिव है तीनों कॉन्टिनेंट्स में आपका मिलेगा कार्निवोरस एनिमल होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल है फ़ाइन So दिस इज रिगार्डिंग द ऑपरेशन क्लीन आर्ट इसकी प्लेलिस्ट नहीं दिखा रहा है ये जो अभी आपके सेशंस हैं पांच सेशन इसकी प्लेलिस्ट नहीं दिखा रहा है क्या प्लेलिस्ट शुड बी देयर एक बार आप देख लीजिए आई विल बी शेयरिंग द लिंक प्लेलिस्ट लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा ग्रेट ग्रीन वॉल ये किस कॉन्टेक्स में बात किया जा रहा है देखिए ग्रेट ग्रीन वॉल का इनिशिएटिव 2007 में लॉन्च किया गया अफ्रीकन यूनियन के द्वारा तो इसके अंदर क्या है ये जो साहेल रीजन आपको दिख रहा है फाइन यू हैव दहारा डिजर्ट ये पूरा डिजर्ट पार्ट यहाँ पे आ रहा है और ये आपका फॉरेस्टेड पार्ट है तो बीच के अंदर जो ट्रांजिशनल रीजन है यहाँ पे ये जो ट्रांजिशनल रीजन है Uh, हो क्या रहा था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लैंड डिग्रेडेशन की वजह से ये जो डेजर्ट है ये एक्सटेंड हो रहा था है ना डेजर्टिफिकेशन हो रहा था लैंड uh, डिग्रेडेशन हो रहा था और uh, इस चीज को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया ग्रेट ग्रीन वॉल का और ये काफी न्यूज uh, में भी रहा है इट वॉज कंसीव बाय द इलेवन कंट्रीज लोकेटेड अलॉन्ग द सदर्न बॉर्डर ऑफ द सहारा सहारा की जो साउथ की बॉर्डर है सहारा के साउथ में जो बॉर्डर है वहां पे ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया लॉन्च टू एड्रेस द डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज इन द साहेल रीजन तो ये साहेल रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे. तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ये ध्यान रख लेना बहुत मतलब बेसिक चीज़ें हैं यू शुड डेफिनेटली नो दीज थिंग्स तो दो तीन बार अगर इस मैप को स्टडी करोगे तो आ जाएगा साहेल रीजन ये है तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया वर्ल्ड बैंक ने भी एक फ़ंड यहाँ पर क्रिएट किया प्रो ग्रीन नाम से ताकि आ, जो यहाँ पर है एफॉरेस्टेशन किया जा सके है, ना प्लांटिंग की जा सके काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पर लगाए जा सकें और ये आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे कंट्रीज़ दिख रहे हैं ना ग्रीन बॉर्डर के अंदर ये सारे कंट्रीज़ यहाँ पे इस इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हैं ग्रीट व ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव में और यहाँ पे आपको ये जो हाईलाइटेड रीजन दिख रहा है ना येल्लो कलर में जो हाईलाइटेड रीजन दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने ये प्लांटेशन किया है मासी स्केल पे प्लांटेशन किया है ताकि जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको रोका जा सके डेजर्ट के एक्सटेंशन को रोका जा सके फाइन ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं यू हैव जिपॉती मोरिटानिया एंड स्नेगल तो यू हैव दीज कंट्रीज चलिए नेक्स्ट हमारे पास है देखिए साइट्स हमने पढ़ा है अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा जो भी इंटरनेशनल uh, ट्रेड हो रहा है एंडेंजर्ड स्पीशीज में उसको रोकने के लिए जो कन्वेंशन है वो आपकी साइट्स के माध्यम से मेंशन की गई है सो so, uh, साइट का ही एक इनिशिएटिव है ये माइक प्रोग्राम ओके okay? माइक प्रोग्राम जो है इस्टब्लिश uh, किया गया बाय द साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज तो साइट का ये जो माइक प्रोग्राम है ये क्या प्रयास कर रहा है यहाँ पे uh, इसके अंतर्गत काफ़ी सारी जो साइट्स हैं है ना मतलब कुछ uh, नेशनल पार्क के एरिया हो गए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया हो गए उनको क्या किया गया है माइक साइट डिक्लेयर किया गया है तो ये क्या करता है साइट मॉनिटर कर रहा है इ किलिंग ऑफ एलिफेंट्स है ना इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स और इसको आपका ये नाम दिया गया है माइक प्रोग्राम मॉनिटरिंग द इ्लीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स इसे माइक प्रोग्राम नाम दिया गया है और क्योंकि एलिफेंट के भी जो पार्ट्स होते हैं जैसे आईवरी हाथी दांत वगैरह हो गए तो उसके लिए किलिंग की जाती है और उसके लिए माइक साइट बनाई गई है कि ऐसे जो सेंसिटिव साइट्स हैं वहाँ पे हम इसको मॉनिटर कर सकें ताकि ये प्रॉब्लम को हटाया जा सके अगेन हम बात करें एशियन एलिफेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एशियन एलिफेंट हमने पढ़ा है अफ्रीकन एलिफेंट भी मैंने आपको बताए थे तो जिसमें हमने बात की थी कि जो फॉरेस्टेड एलिफेंट है ना अफ्रीका के जो फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं जो साइज़ में थोड़ा सवाना एलिफेंट से छोटा होता है वो क्रिटिकली एंडेंजर है और सवाना वाला एंडेंजर है जहाँ तक एशियन एलिफेंट की बात है दिस इज़ अगेन अंडेंजर्ड फाइन ये सब चीज़ें याद रखिएगा माइक साइड की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया जैसे टाइग प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था सेवेंटीज़ में वैसे नाइन्टीज़ के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया पर्पस यहाँ पे सेम था कि जो एशियन एलिफेंट है इसकी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना ठीक है इनको कंजर्वेशन प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और माइक साइट भी इसी प्रयास के साथ आगे जा रहा है ये नंबर ऑफ uh, ये मेजर माइक साइट माइक साइट्स हैं जो आपको याद रखनी है चिरांग रिपू आसाम में सिचुएटेड है दांग पटकाई ओके अगेन आसाम में है तो दो साइट हो गई चिरांग रिपू दिस इज द लोकेशन बोडोलैंड वाले पार्ट के अंदर है ना चिरांग रिपो रिपू एंड चिरांग आर द टू रिजर्व फॉरेस्ट हैबिटेट है मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपके आसाम में सिचुएटेड हैं दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बफर जोन ऑफ द मानस टाइगर रिजर्व भी इसके पास ही में तो एक तो ये ध्यान रख लीजिए चिरांग रिपो हो गया सेकेंड है धांग पटकाई तो अगेन देखिए चिरांग रिपो वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या है आपको गोल्डन लंगूर मिल रहा है गोल्डन लंगूर आपको याद आ रहा होगा एक क्वेश्चन हमने किया था जहाँ पे पूछा गया था अच्छा गोल्डन लंगूर वेस्टर्न घाट में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा हाँ नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर गोल्डन लंगूर मिलते हैं और चिराग बिकम होम टू द मानस नेशनल पार्क ये मानस नेशनल पार्क का भी आपका पार्ट बन जाता है दिहांग पटकाई इज अगेन सिचुएटेड इन द आसाम यू हैव दिस रीजन आसाम का ये जो पार्ट है यहाँ अरुणाचल के पास में यहाँ पे आपका सिचुएटेड है दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर यहाँ से कुछ याद आ रहा है क्या आपको दिहांग पटकाई से डेफिनेटली वो करंट अफेयर में तो हम कवर करेंगे बट लेटमी नो इन द कमेंट सेक्शन की क्या चीज याद आ रही है अभी लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है तो पटकाई आर दिल्स ये हिल्स है नॉर्थ ईस्ट के अंदर बर्मा से जो बॉर्डर आपका लग रहा है वहां पे फिर आपका थर्ड माइक साइड है यहाँ पे ये है ईस्टर्न दुआार्स और ये वेस्ट बंगाल की तरफ आ जाएंगे आपके ईस्टर्न दुआार्स आर दे आर ठीक है एल यूएल फ्लड प्लेन है जिस तरह से आप देखोगे एल्यूवियल जो फ्लड प्लेन है चाहे हम यूपी की बात करें बिहार की बात करें तो आगे जब ये फ्लड प्लेन जाते हैं एल्यूवियल सॉइल यहाँ पे आपको मिलेगी आगे जब जाते हैं तो इनको दुआार्स नाम दिया गया है ना तो ईस्टर्न दुआर यहाँ पे दुआर में भी ये ईस्टर्न दुआर जो एरिया है जो बिल्कुल आसाम से कंटिग्यूसी है टच कर रहा है उस रीजन के अंदर है और कहीं ना कहीं इनकी जो आ, वेजिटेशन या फिर आप देखोगे एक जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तराई जो क्षेत्र है उससे मिलता जुलता है दियोमली इज़ देयर दियोमली आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है एंड दिस इज़ द थिंक दियोमली जो है यहाँ पे आपका सिचुएटेड है मतलब इस पार्ट में अगेन आसाम के पास ही हो गया गारो हिल्स है तो अगर हम इंडिया को इस तरह से मैप बनाते हैं कि ये मैप अगर हम इंडिया का इस तरीके से बना रहे हैं सो यू हैव दिस रीज़न ये वाला जो रीज़न है गारो खासी जयंतिया ये दिख रही हैं आपको है ना गारो खासी जयंतिया ये ट्राइब्स भी हैं ट्राइब के नाम पे हिल के नाम हैं तो जो गारो हिल्स हैं मेघालय के अंदर सिचुएटेड है ये भी आपका माइक साइट है और यहाँ पे आपका नौकरेक नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है ना नौकरेक हाईएस्ट पीक है गारो हिल्स की और ये नौकरेक नेशनल पार्क जो है इसको यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में भी इंक्लूड किया हुआ है नेक्स्ट है मैसूर और मैसूर के पास जैसे ही जाओगे तो नीलगिरी वाला ये पार्ट आ जाएगा और तीन चार आपके आसपास आएंगे है ना मैसूर में बांदीपुर नेशनल पार्क है और उसी के पास आप देखोगे एडजस्टेंट में नागरहोल नेशनल पार्क इज ऑल्सो देयर तो यू हैव दिस बांदीपुर ठीक है ना ये आपका आ गया और यहीं पे आपके दो तीन इंक्लूड हो जाएंगे तो ठीक है ये वायनाड आ जाएगा नीचे की तरफ ठीक है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आ जाएगी तो मुदुमलाई इज ऑल्सो देयर वायनाथ भी माइक साइड पे आ जाएगी क्लियर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ दिस माइक साइड तो अगेन सेम ही रहेगा मैप तो शिवालिक है तो शिवालिक आप सभी को पता है उत्तराखंड का पार्ट है फाइन तो ये आप ध्यान रखिए कालेसर नेशनल पार्क एंड कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये जो शिवालिक है इसके अंदर कुछ पार्ट जो है इन्होंने हरियाणा का भी लिया हुआ है ना Uh, राजा जी नेशनल पार्क तो उत्तराखंड में आ जाएगा लेकिन ये जो कालेसर वाला पार्ट है ये हरियाणा का भी पार्ट है तो दोनों स्टेट यहाँ पे आपके इंक्लूड हो रहे हैं uh, हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो देयर हिमाचल uh, उत्तराखंड एंड हरियाणा तो ये शिवालिक के अंदर तीन स्टेट को इन्होंने यहाँ पे कवर किया है शिवालिक हिल्स के अंदर मयूरभंज है मयूरभंज उड़ीसा के अंदर आपका सिचुएटेड है एंड मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व इज देयर क्लियर यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व भी है और इसी को क्या बना दिया माइक साइट भी आपने डिक्लेयर किया हुआ है इंक्लूड्स द थ्री प्रोटेक्टेड एरिया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व सिमलीपाल जो है टाइगर रिजर्व कहें या फिर नेशनल पार्क है ये न्यूज में था क्योंकि अभी इसके अंदर फॉरेस्ट फायर लग गई थी ना फॉरेस्ट फायर हो गया था उस वजह से भी ये न्यूज में था हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कुल धीआया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अगेन इंपॉर्टेंट इसको एक बार अगर हम मैप के तौर पे देखोगे तो ये जो फिफ्थ नंबर पे दिख रहा है यू हैव दिस नंबर फाइव ये है ये हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओके और कुलधिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ ऑल्सो देयर और कुल्धिया को अगर आप देखोगे सिमली पाल वाला ये वाला पार्ट आ गया तो सिमली पाल के बिल्कुल पास में ही ये हदगढ़ वाला पार्ट है ठीक है ना और ये जो फोर्थ है ये कुलदिया है तो ये तीनों पार्ट बिल्कुल आसपास में जुड़े हुए हैं तो ये जो तीनों प्रोटेक्टेड एरिया हैं इनको मयूरभंज वाले एरिया में माइक साइट ये डिक्लेयर किया है ठीक है ये वाला जो एरिया ये ईस्टर्न कोस्ट आ गया बे ऑफ बंगाल है ये उड़ीसा है ठीक है गहिर माथा हम पढ़ चुके हैं ये जो टू और थ्री आपको दिख रहा है ये भीतरकनी का नेशनल पार्क है और इसी के पास में गहिर मरीन सेंचुरी है ना टू और थ्री हम पढ़ चुके हैं ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं ना भीतर कनिका जो सेंचुरी है या नेशनल पार्क है या गहीर माथा मैरीन सेंचुरी है किस चीज के लिए किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए जाने जाते हैं क्या ये लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सिमलीपाल जो है uh, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका रहेगा एलिफेंट रिजर्व भी इसको डिक्लेयर किया हुआ है ठीक है यहाँ पे हो और संथाल ट्राइब्स भी मिलती हैं नेक्स्ट हमारे पास में है यू वी हैव हरपेटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन हैज अ स्नैक नेम आफ्टर हिम तो ये एक स्नैक है जिसको इनके नाम पर uh, रखा गया है ठीक है ना जाइलोफिस दीपकी तो ये uh, इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं दीपक वुड स्नैक ये क्या होते हैं बेसिकली ये वुड स्नैक है जिसके नाम पर यह रखा गया है ना इंडियन हर्पेटोलॉजिस्ट हैं जो एक्सपर्ट हैं इसमें Uh, उनके नाम पे इसको रखा गया है और जो वुड स्नैक होते हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें हम यहाँ पे जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वुड स्नैक क्या होते हैं जनरली हार्मलेस होते हैं ठीक है ना जनरली हार्मलेस होते हैं और uh, अगर आप इसको देखोगे फाउंड वाइल्ड डिगिंग सॉइल इन द फार्म्स इन जनरल आपके वेस्टर्न घाट के अंदर मिलती हैं काफ़ी सारी स्पीशीज़ वेस्टर्न घाट फोकस्ड हैं दे पैड ऑन द अर्थ फॉर्म पॉसिबली अदर इन्वर्टिबेट उसके ऊपर फीड करते हैं इंटर इंटरेस्टिंगली देर क्लोज रिलेटिव आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो नॉन एज द आरबोरियल्स वो जनरली पेड़ों पर पे रहते हैं है ना और यहाँ पर ये क्या मिल रहे हैं ड्रायर रीजन्स के अंदर आपको नई स्पीशीज़ और मिल रही हैं वुड स्नैक्स की ड्रायर रीजन के अंदर और मिल रही हैं स्पेशली इन द अगस्त मलाई हिल्स लोअर लेटीट्यूड मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं नीचे की तरफ ही आपको मिल रहा है सो दिस इज़ द थिंक वेस्टर्न घाट रीजन में ये मिल रहे हैं फार्मलैंड में मिल जाते हैं ठीक है ये भी ध्यान रखिएगा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही घने जंगल होंगे तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड नो मोरिंगा पाउडर को गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर फोकस कर रही है इसके बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखिए मोरिंगा ऑलीफेरा जो है ये ड्रॉट रजिस्टेंट ट्री है ठीक है मोरिंगा ऑलीफेरा ड्रॉट रजिस्टेंट ट्री है और इसको इसकी एक बहुत ज़्यादा मतलब एक आपका ये एक ऐसी इक्विटी है न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है तो इसके पाउडर की इसके एक्सट्रैक्ट की डिमांड रहती है बाहर तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको जो है इसके एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है मोरिंगा ओलीफेरा के एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है और यहाँ पे एक मोरिंगा प्रोडक्ट चाहे वो लीफ पाउडर हो मोरिंगा ऑयल हो ये बनाए जा रहे हैं इसका फूड फोर्टिफिकेशन में भी यूज़ किया जा रहा है ये जो फूड फोर्टिफिकेशन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है मान लीजिए राइस आप खा रहे हो है ना राइस खा रहे हो तो राइस के अंदर आ, कोई न्यूट्रियट जो है कम है कोई विटामिन कम है या फिर आप आयरन ज़्यादा वहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो एक तो हो गया फोर्टिफिकेशन उसमें क्या करोगे आप ऊपर से एडिशन कर रहे हो है ना जब वो प्लांट ग्रो कर गया है उसके बाद में आपने एडिशन किया जैसे अभी राइस फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा चर्चा रही थी जब प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इसके बारे में कुछ मैंशन किया था तो एक क्या हो गया आपने राइस जो है उसका पाउडर बनाया फिर उसके अंदर ऊपर से न्यूट्रिय ऐड किए फिर राइस पैलेट्स बन रहे हैं वापस से तो एक तो ये तरीका होता है एक होता है बायो फोर्टिफिकेशन बायो फोर्टिफिकेशन इसके अंदर क्या होगा बायो फोर्टिफिकेशन में आप ऐसी वैरायटी कल्टीवेट कर रहे हो फाइन इस तरह की नई वैरायटी आप कल्टीवेट कर रहे हो जिसके अंदर क्या है ऑलरेडी न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो उसमें ऊपर से मिलाने की जरूरत नहीं है बायोलॉजिकली ही न्यूट्रिएंट ज़्यादा है जैसे आयरन कंटेंट हो गया है कोई वाइटामिन है इनका आपका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है तो फूड फोर्टिफिकेशन में भी मोरिंगा का यूज़ किया जाता है और ड्रम स्टिक ट्री भी इसको कहा जाता है ठीक है इसका वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया हर्बल मेडिसन हो गई है ना इसके रूप में यूज़ किया जाएगा अगर कहीं पे आता है मेडिसन के रूप में हर्बल मेडिसन में यूज़ किया जाता है तो लगभग लगभग जितने भी आप ट्रीज़ प्लांट्स वगैरह देखोगे सबका हर्बल मेडिसन के रूप में यूज़ कहीं ना कहीं होता ही है तो दिस इज हाउ दिस ड्रमस्टिक प्लाट लुक्स लाइक ठीक है नहीं ये तो आपकी मुरिन uh, ग्रास हो जाएगी ड्रम स्टिक की तो फलियाँ भी आती हैं न uh, ये आपका हो गया मुरन ग्रास मुरेन ग्रास दिस इज़ नॉन फॉर द फॉर्डर एज वेल है ना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है और ये आपकी ग्रो कर रही है वेस्टर्न घाट रीजन के अंदर वेस्टर्न घाट जो है ये पूरा रीजन है वन ऑफ द फोर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है इसके अलावा वेस्टर्न घाट के अलावा आपके ओके इंडो बर्मा रीजन है सुंडा लैंड है और हिमालिया है द स्पीसीज हैज़ अडाप्टेड टू सर्वाइव हार्श कंडीशन लो न्यूट्री अवेलेबिलिटी एंड ब्लॉसम एवरी मानसून तो हार्श कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकती है इसके लिए इसका क्या है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है एज ए फॉर्डर यूज़ कर रहे हो तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे हो गया एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर भी ये सर्वाइव कर रहा है दिस इज़ अ गुड थिंग और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी कहाँ मिलेगी मुरैन ग्रास की वेस्टर्न घाट के अंदर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा तो दिस यू शुड नो नेक्स्ट है न्यू प्लांट सब स्पीशीज इन केरला केरला के अंदर एक नई प्लांट सब स्पीशीज मिली है तो उस स्पीशीज से ज़्यादा जहाँ पे मिली है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शेंदुर्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो आपको दिख रहा है नीचे की तरफ होके शुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देयर और केरला के अंदर आपका सिचुएटेड है वेस्टर्न घाट के अंदर आ जाएगा शंदुर ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में भी आता है स्टेट ध्यान रखिए किस तरह का वेजिटेशन मिल रहा है नीचे की तरफ केरला की तरफ चले गए तो सेमी एवरग्रीन एवरग्रीन वेजिटेशन आपको मिलता है ठीक है ना अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है कहाँ पे कैसा वेजिटेशन क्या है तो एन पढ़ लेना इलेवंथ क्लास की एन है इंडिया फिजिकल मेक श्योर कि उसका वो एक चैप्टर है वो आप पढ़ लीजिएगा इट हैज द प्रेजेंस ऑफ लॉय टेल मकाउ अब यहाँ पे ये यह इम्पॉटेंट हो गया लॉय टेल मकाउ मिल रहा है वेस्टर्न घाट के अंदर ये भी यूपीएससी ने पूछ रखा है हाईली अंडेंजर्ड स्पीशीज है तो इसको भी मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिए जाएंगे अनदर एस्पेक्ट इज दैट कि यहाँ पे uh, uh, कि कोई सैंडलवुड ट्री यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना देर इज नो सैंडलवुड ट्रीज हियर तो ये एक देखने वाली बात है फाइन चलिए नेक्स्ट वी हैव बाओधान है ना बाओधान को इंडिया ने क्या किया है यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट किया है तो ये बाओ धान क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं आयरन रिच रेड राइस है ये देखने में कैसा लगेगा रेड कलर का लगेगा ये जो आपको दिख रहे हैं ये चावल के दाने हैं रेड कलर के रेड कलर किस वजह से होता है है ना और आयरन कंटेंट इनमें ज्यादा होता है ये तो ध्यान रखिए इनका जो रेड कलर आपको आ, ये मिल रहा है फाइन तो दिस इज द थिंग बाई इट्स एंथोसाइनिन एंथोसाइन नींद इसके अंदर होता है ज्यादा और इस एंथोथाइनिन की वजह से इनका क्या होता है रेड कलर होता है कहाँ पे मिल रहा है बावधान ये आपका मिल रहा है आसाम के अंदर अगर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे या काफी सारे आसाम के बच्चे होंगे वो बता देंगे कि हाँ ये तो हमारी स्टेपल डाइट का पार्ट है और इसके कल्टिवेशन कहाँ पे हो रहा है ब्रह्मपुत्रा वैली में हो रहा है यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं है तो ये क्या हो गई इसकी एक तरह की ब्रांडिंग हो गई कि देखो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं हो रहा है इसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है है ना न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है इन कंपेरिजन टू पॉलिश्ड राइस न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छे तो यही ब्रांडिंग करके गवर्नमेंट क्या कर रही है फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने का प्रयास कर रही है इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का प्रयास कर रही है स्पेशली एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ पे इंडिया ने यूएसए के अंदर इसको क्या किया है एक्सपोर्ट किया है ठीक है वाटर रिलीज फ्रॉम वेगई डैम वेगई जो डैम है कहाँ पर सिचुएटेड है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए तो दिस इज द लोकेशन हियर वैगई रिवर आपको दिख रही है तो आइडिया लग जाएगा हाँ तमिलनाडु के अंदर वेगे डैम सिचुएटेड है वेगे इज़ अ रिवर आ, इन द तमिलनाडु तो आ, कौन से स्टेट के अंदर है ऐसा नहीं है कि ये कोई दो स्टेट के अंदर आपका पास कर रही है आप देखोगे तो यहाँ पे केवल और केवल तमिलनाडु के अंदर ही ये रिवर एग्जिस्ट कर रही है ऑरिजिनेट्स इन दर्स वरुसंधु ओके हिल्स द पेरियार प्लेचू वेस्टर्न घाट ठीक है सो दिस इज ऑल आज का सेशन हम रैप अप यहाँ पे करेंगे या वही ऑलिव्रिडले हैं और वो हमने पढ़ा भी है ठीक है या बिल्कुल वी आर कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़ पेपर्स जो भी हैं आपके स्पेशली हिंदू इंडियन एक्सप्रेस वहाँ से न्यूज़ कवर हो रही हैं पी आई बी से न्यूज़ कवर हो रही हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके एडिशन होंगे तो पहले अभी हम एनवायरमेंट का कर रहे हैं फिर हम साइंस एंड टेक या इकनमी पे मूव करेंगे इस तरह से एक एक सब्जेक्ट लेंगे फिर वापस से एक बार एनवायरमेंट और इनको लेंगे ठीक है क्योंकि तब तक आपके काफ़ी सारे नए टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे और फिर काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक होंगे जहाँ पे हमें लगेगा कि हाँ इनको भी एडिशन करना है सो दिस इज़ गोइंग टू बी ए वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ही क्लियर तो पाइन अभी आपकी साढ़े आठ बजे क्लास होगी क्रैक प्रॉब्लम्स एम सी क्यू सीरीज की ये फ्री क्लास है आई एम शेयरिंग द लिंक हियर टेलीग्राम पे टेलीग्राम चैनल का ये नाम लिखा हुआ है यूपीएससी राहुल भारद्वाज नाम डाल के आप सर्च कर सकते हो सो so, ठीक है आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ द क्लास क्रैक प्रॉब्लम्स क्लास का आई विल ट्राई टू रीशेड्यूल द टाइमिंग क्योंकि साढ़े आठ बजे आपकी टाइम क्लैश होती है ना अभी भीम केशतर की क्लास से टाइम क्लैश हो जाता है तो वो ये क्या पहले से ही प्लान थी तो अभी तो हम नहीं कर सकते अब आ, कल संडे है तो कल ये क्लास नहीं रहेगी मंडे से वापस स्टार्ट होगी आई विल लेट यू नो द टाइमिंग ऑफ द क्लास ठीक है इसको हम वापस से रिवाइज़ करेंगे अभी मैंने क्लास का लिंक यहाँ पर शेयर कर दिया है वहाँ पर आप एनरोल कर लेना ये क्या है फ्री क्लास है फ्री क्लास है एनरोल कर लेना यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन वंस द क्लास गोज लाइव कोड in this इन दिस ठीक है इसके अलावा दी जा रही है uh, 3, के साथ सेट और जी एस के टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं कैसे ज्वाइन करना है किसी भी चीज को तो हर, कोई भी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सर्च कर सकते हैं फाइन कॉम्बैट के लिए आप जा सकते हैं फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप जा सकते हैं दिस इज दिस आर द स्ट्रक्चर हियर अलग अलग प्लान की अगर आप पर्सनल uh, मेंटर चाहते हैं तो आप आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हो आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हो केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हो केवल ऑप्शनल की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर ओके नए बैचेज आपके हैं प्रोलिम्स स्पेसिफिक इनमें आप जा सकते हो और बूस्टर सीरीज एंड ऑल प्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हो सो दिस इज ऑल मेक श्योर वैल यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन है ना यू और स्टेट के एग्जाम के लिए चाहते हो या जो भी है सो यू कैन यूज दिस कोड आर बी लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स फाइन एंड पर्सनलाइज गाइडेंस सो वी आर रैपिंग अप द सेशन कल आपकी इकोनॉमी की क्लास होगी कल इसी टाइम पे सात बजे अभी हमारा जैसे करंट अफेयर सेशन होता है तो कल हमारी इकोनॉमी की क्लास होगी वो थोड़ी बड़ी क्लास रहेगी और इकोनॉमी को हम कवर करेंगे हर संडे है ना और ज़रूरत पड़ी तो सैटरडे भी ऐड कर देंगे देखते हैं किस तरीके से चीज़ें जाती हैं तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और स्टैटिक पोर्शन का ये फ़ायदा होता है कि एक बार आपने कर लिया तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं ना आ, तो अच्छे से आप कर लीजिए इकोनॉमिक्स काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट लगती है मेक श्योर sure कि कल की क्लास आप अटेंड करें